होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ एक ब्यूटीफुल सा फादर्स डे के ऊपर ग्रीटिंग कार्ड एंड ऑल्सो दो DIYs भी। सो यहाँ पे हमारा ये A4 साइज में शीट थी, उसको फोल्ड करके हाफ शीट में कन्वर्ट कर लिया एंड यहाँ पे मैंने एक रफली स्केच भी रेडी कर लिया है जिसपे मैंने एक फादर का हैंड एंड साथ में एक बेबी का हैंड बनाया है। सो यहाँ पे हम पूरा डिटेलिंग में काम करेंगे और फादर्स डे के लिए हम ग्रीटिंग कार्ड बना रहे हैं तो ये बहुत ही स्पेशल होगा। तो यहाँ पे जो भी डिटेल्स वर्क होगी वो हम करेंगे एंड साथ ही में हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे एक्रेलिक कलर्स और साथ ही में पोस्टर्स कलर। सो पोस्टर्स कलर हम सिर्फ हैंड पे यूज़ करेंगे और बाकी का काम हम सिर्फ एक्रेलिक कलर्स के साथ करेंगे। सो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट सारा काम कंप्लीट हो गया है एंड साथ में हम यूज़ कर रहे हैं ब्लैक कलर फॉर द डिटेलिंग पार्ट। तो अब हमने जितना भी पेंट किया है हम वहाँ पे सभी में ब्लैक कलर से आउटलाइनिंग कर देंगे एंड आउटलाइनिंग करने के बाद ये रहा हमारा फाइनल लुक एंड सीरियसली ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। सो अब चलते हैं सेकेंड DIY की तरफ। सो यहाँ पे मैंने एक वुड की प्लाइज ले ली थी और इसके ऊपर मैंने एक स्केच भी ड्रॉ कर दिया है फादर एंड डॉटर का। सो फादर का लाइक सुपरमैन एंड ऑल्सो गर्ल का भी सुपरमैन ही बनाया है। सो हम यूज़ कर रहे हैं एक्रेलिक कलर सेम। सो यहाँ पे ये हो गया पूरा कंप्लीट एंड कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे हम ब्लैक कलर से पूरा आउटलाइनिंग कर देंगे। जो भी डिटेल का काम है वो सारा हम इसमें फिल कर देंगे। सो यहाँ पे मैंने कुछ भी डिटेलिंग पार्ट के लिए एज इन क्ले वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया है। सो मैंने सोचा था कि इसको मैं एज एन एक वॉल हैंगिंग बनाऊंगी। सो मैं वही बनाया है वॉल हैंगिंग। आप चाहो तो सीधा इसको एक कार्ड पे भी बना सकते हो और या तो आपके पास जो भी MDF बोर्ड होगा वो भी कर सकते हो। सो मेरे को बैकग्राउंड के लिए कुछ समझ में नहीं आया था। सो मैंने क्या किया कि बबल रैप से लेके गोल्डन कलर का एक टेक्स्चर दिया एंड टेक्स्चर देने के बाद मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर से जो मुझे टेक्स्ट लिखना था वो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया एंड एक स्मॉल हार्ट बना दिया। आप चाहो तो जो ये दिल है इसको आप एज इन क्ले से भी बना सकते हो और ये रहा बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक एंड साथ ही में जो मैंने बैकग्राउंड में एक छोटे छोटे डॉट्स भी दिए हैं एंड डॉट्स देने के बाद लुक एकदम ही चेंज हो गया एंड सी द फाइनल रिजल्ट एकदम ब्यूटीफुल। यहाँ पे हम चलते हैं अब थर्ड DIY की तरफ। सो यहाँ पे भी अगेन मैंने लिया है एक वुड का पीस। आप चाहो तो पेपर भी यूज़ कर सकते हो और या फिर एक आप थिक कार्डबोर्ड भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि मैं यहाँ पे एक कार्ड होता है ना जैसे वो बना रही हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे मैंने किंग का बनाया है एंड सेम मैंने जो अपर पार्ट में दिया है ना उसी का रिफ्लेक्शन मैंने नीचे में भी दिया है। बट डिफरेंस इन दोनों का ये है कि एक
बड़ा बनाया थोड़ा और एक स्मॉल साइज़ में। सो दोनों ही सेम है, सो मैं आपको सिर्फ एक ऊपर वाला ही पेंट करके दिखा रही हूँ एंड सेम हम वही सेकंड वाला भी पेंट करेंगे। सो ये आप एक कार्डबोर्ड पे बहुत ही अच्छे से बना सकते हो और या तो आप एक पेपर पे भी बना सकते हो एज एन ग्रीटिंग कार्ड। सो ये बन के एकदम अच्छे से रेडी हो जाएगा एंड इसका लुक एकदम ही चेंज हो जाएगा जब मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाऊँगी तब। तो येस, डू लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो को लाइक करना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखना एंड हैप्पी फादर्स डे। हैप्पी पापा डे।내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까?